सनसनी ऑफ इंडिया। क्राइम ब्रांच एंटी रॉबरी एंड स्नैचिंग सेल शकरपुर की टीम ने 28 मार्च को महेंद्र पार्क इलाके में दिन दहाड़े हुई लूट के मामले का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वारदात का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, उसी कंपनी का ही एक कर्मचारी निकला जिस कंपनी का पैसा लूटा गया था। जिस वारदात को स्थानीय पुलिस पिछले एक माह से सुलझाने में लगी हुई थी, वहीं जैसे ही मामला क्राइम ब्रांच में गया, क्राइम ब्रांच की टीम ने मात्र 2 दिन में पूरे मामले का खुलासा कर डाला। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान वारदात का मास्टरमाइंड शास्त्री नगर दिल्ली निवासी 23 वर्षीय चंद्रदेव पांडेय, अमरोहा उत्तर प्रदेश निवासी 28 वर्षीय विवेक कुमार व 24 वर्षीय विपिन यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने इनसे 43,000 रुपए और लूट के पैसे से खरीदी गई एक मोटरसाइकिल बरामद की है। दिनांक 28 मार्च को श्री राम फोम हाउस फर्नीचर मार्केट विलेज मंगोलपुरी खुर्द के मालिक दीपक गुप्ता ने अपने एक कर्मचारी जीतू कुमार वर्मा को 3,70,000 रुपए गाजियाबाद पहुंचाने के लिए दिए थे। दोपहर 2:15 पर जीतू कुमार वर्मा एक अन्य कर्मचारी चंद्रदेव पांड्या के साथ एक्टिवा स्कूटी से सारा कैश स्कूटी की डिक्की में रखकर गाजियाबाद के लिए रवाना हो गए। स्कूटी जीतू कुमार वर्मा चला रहा था। दीपाली चौक से होते हुए अंडरपास मधुबन चौक पर ट्रैफिक जाम था। ट्रैफिक जाम की वजह से जीतू कुमार वर्मा ने स्कूटी चंद्रदेव पांड्या को चलाने को दे दी और खुद पीछे बैठ गया। दोपहर 3 बजे के आसपास आउटर रिंग रोड हैदरपुर मेट्रो स्टेशन से आगे करनाल लूप के पास सड़क किनारे चंद्रदेव पांडेय ने पेशाब करने के लिए स्कूटी रोक दी। चंद्रदेव पांडेय अकेले पैदल ही नाले की तरफ पेशाब करने चला गया। जीतू कुमार वर्मा स्कूटी पर बैठकर इंतजार करने लगा, तभी 2 अनजान व्यक्ति पैदल चलकर जीतू कुमार वर्मा के पास आए और स्कूटी के पास आकर खड़े हो गए। उनमें से ब्लैक शर्ट पहने एक व्यक्ति ने कॉल करने के लिए जीतू कुमार वर्मा से फोन मांगा। जीतू कुमार वर्मा ने कॉल करने के लिए मोबाइल देने से इनकार कर दिया तो ब्लैक शर्ट वाले लड़के ने सफेद शर्ट पहने अपने साथी को हथियार निकालकर गोली मारने को कहा। सफेद शर्ट पहने लड़के ने देशी कट्टा निकाला और जीतू कुमार वर्मा की तरफ तानकर स्कूटी से दूर हटने की धमकी दी। इस दौरान चंद्रदेव पांडेय पेशाब करके वापस लौट आया। दोनों लड़कों के पास देशी कट्टा देखकर जीतू कुमार वर्मा और चंद्रदेव पांडेय डर गए और स्कूटी में चाबी लगी छोड़कर कुछ कदम पीछे हट गए। देशी कट्टा ताने दोनों लड़के स्कूटी पर बैठे और करनाल की तरफ जाने वाले रोड पर संजय गांधी ट्रांसपोर्ट की तरफ भाग गए। बदमाशों के भागते ही चंद्रदेव पांडेय ने तुरंत अपने मालिक दीपक गुप्ता और पुलिस को कॉल करके वारदात की जानकारी दी। जीतू कुमार वर्मा की शिकायत पर दिनांक 28 मार्च को थाना महिंद्रा पार्क में एफआईआर संख्या 427/2023 धारा 392 397/34 के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। स्थानीय थाना पुलिस ने हर एक एंगल से वारदात की जांच की, लेकिन एक महीने बाद भी आरोपियों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। जब स्थानीय पुलिस से मामला नहीं खुला तो रविंद्र सिंह यादव विशेष पुलिस आयुक्त क्राइम ने मामले को सुलझाने की जिम्मेवारी क्राइम ब्रांच एंटी रॉबरी एंड स्नैचिंग सेल शकरपुर को सौंपी। टास्क मिलते ही जॉइंट CPSD मिश्रा और DCP अंकित सिंह ने ACP अरविंद कुमार की सुपरविजन व इंस्पेक्टर अरुण सिंधु के नेतृत्व में SI विक्रांत रविंद्र चंदर, SI सुभाष चंद, मनोज कुमार, हेड कांस्टेबल अवधेश कुमार, देवेंद्र, कुलदीप भाटी, अरविंद कुमार और कांस्टेबल सचिन कुमार की एक टीम का गठन किया। वारदात को एक महीना हो चुका था और स्थानीय पुलिस के पास भी आरोपियों के बारे में कोई सुराग नहीं था। ऐसे में सबूत जुटाना अपने आप में चुनौती थी। इंस्पेक्टर अरुण सिंधु ने क्रिमिनलों की मोडस ऑपरेंडाई को समझने के लिए क्राइम सीन से लेकर पीड़ितों के ऑफिस तक का रिवर्स रूट तैयार किया और इस रूट पर पड़ने वाले सैकड़ों CCTV कैमरों को खंगाला, लेकिन आरोपी CCTV में कहीं नजर नहीं आए। इंस्पेक्टर अरुण सिंधु को 2 सवाल बार बार खाए जा रहे थे कि अगर वारदात को अंजाम बदमाशों ने रैकी करके नहीं दिया तो उन्हें कैसे पता था कि पीड़ितों के पास पैसा है, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि बदमाशों को कैसे पता था कि पीड़ित किस रूट से निकलेंगे और किस जगह पर स्कूटी रोककर पेशाब करेंगे। अब तक की जांच से इंस्पेक्टर अरुण सिंधु को पूरा शक हो चुका था कि वारदात को अंजाम किसी जानकार ने ही दिया है। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए इंस्पेक्टर अरुण सिंधु ने श्री राम फोम हाउस में नौकरी करने वाले व नौकरी छोड़ चुके लोगों की हिस्ट्री खंगालनी शुरू कर दी। पूरी जांच पड़ताल और खोजबीन के बाद इन्वेस्टिगेशन एक पॉइंट पर आकर रुक गई। पॉइंट ये था कि बदमाशों को कैसे पता था कि पीड़ित करनाल लूप के पास ही पेशाब करने के लिए स्कूटी रोकेंगे। अब इंस्पेक्टर अरुण सिंधु का जांच का दायरा पीड़ित जीतू कुमार वर्मा और चंद्रदेव पांडेय के आसपास घूमने लगा। शक होते ही टीम ने पीड़ित जीतू कुमार वर्मा और चंद्रदेव पांडेय के मोबाइल सर्विलांस पर लगाने के साथ साथ इनकी हर एक्टिविटी और मूवमेंट पर नजर रखने के लिए सादी वर्दी में कुछ पुलिस वालों को तैनात कर दिया।
इंस्पेक्टर अरुण सिंधु का शक सही निकला। सिपाही सचिन कुमार को मुखबिरों से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि पीड़ित चंद्रदेव पांड्या इस लूट का मास्टरमाइंड है। चंद्रदेव पांड्या को लगता था कि वारदात को एक महीना हो चुका है। जब एक महीने में स्थानीय पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई है तो क्राइम ब्रांच की टीम भी हाथ पैर मारकर शांत हो जाएगी, लेकिन यह उसकी भूल थी। मात्र दो दिन की इन्वेस्टिगेशन में क्राइम ब्रांच की टीम उस तक पहुंच गई थी। इंस्पेक्टर अरुण सिंधु ने चंद्रदेव पांड्या को पूछताछ के बहाने क्राइम ब्रांच बुलाया। चंद्रदेव पांड्या को लगा कि मात्र पूछताछ के लिए बुलाया गया होगा। जैसे स्थानीय पुलिस ने पूछताछ करके उसे छोड़ दिया था, वैसे ही क्राइम ब्रांच भी अपनी खानापूर्ति करके उसे छोड़ देगी। क्राइम ब्रांच की टीम ने थर्ड डिग्री इस्तेमाल किए बिना चंद्रदेव पांड्या को सवालों के जाल में घेर लिया। टीम के सवालों के सामने चंद्रदेव पांड्या टूट गया और वारदात में शामिल होने की बात कबूल कर ली। चंद्रदेव पांड्या ने बताया कि उसने अपने दो सहयोगियों 28 वर्षीय विवेक कुमार और 24 वर्षीय विपिन यादव के साथ मिलकर अपने किराए के कमरे पर शास्त्री नगर दिल्ली में सारी योजना बनाई। चंद्रदेव पांड्या को लगता था कि उसके मालिक के पास जो नकद पैसा आता है वो दो नंबर का है। अगर पैसों को लूट लिया जाए तो मालिक पुलिस में शिकायत नहीं करेगा। पुलिस से बचने के लिए चंद्रदेव पांड्या और उसके साथियों ने फोन का इस्तेमाल नहीं किया। योजनानुसार चंद्रदेव पांड्या ने अपने दोनों साथियों को पहले से ही करनाल लूप के पास हथियार के साथ खड़े रहने को कहा, और जब अपने ऑफिस स्टाफ के साथ पैसे लेकर स्कूटी से करनाल लूप के पास पहुंचा तो पेशाब करने के बहाने से स्कूटी रोक दी ताकि पहले से खड़े उसके दोनों साथी लूट की वारदात को अंजाम दे सके। चंद्रदेव पांड्या की निशानदेही पर उसके दोनों साथी विवेक कुमार और विपिन यादव को भी ग्राम ददरा अमरोहा उत्तर प्रदेश से दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट की राशि 43,000 रुपये और लूटे गए पैसे 1,15,000 में खरीदी हुई एक मोटरसाइकिल भी बरामद की। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क, क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस, और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूले। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश, देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया।